सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा का अंतिम संस्कार पैतृक गांव चक्रधरपुर प्रखंड के जानता में किया गया, जहां पर लक्ष्मण गिलवा के पार्थिव शरीर को कोविड 19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया गया। उनके बड़े पुत्र अमित गिलवा ने पीपीई किट पहनकर मुखाग्नि दी। इससे पहले परिजनों ने पीपीई किट पहनकर पार्थिव शरीर को कंधा दिया। अंतिम संस्कार के समय काफी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी मालती गिलवा, दो पुत्र और दो पुत्री भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बता दें कि लक्ष्मण गिलवा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके परिवार के 6 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें बड़े पुत्र की तबीयत बिगड़ने से गुरुवार की सुबह उन्हें रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया था। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद पुनः उन्हें अस्पताल भेजा गया है। You've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना। We'll be right back.